स्वदेशी। हमारे देश के राष्ट्रपिता का कहना था, स्वदेशी एक अनंत सिद्धांत है। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में बने सामान का उत्पादन और वितरण। स्वदेशी एक रचनात्मक कार्यक्रम है। 1963 में हमारे समूह की नींव डालने वाले स्वर्गीय लाला श्री राम रस्तोगी जी बेहतरीन गुणवत्ता की चप्पलें बनाने और उन्हें देश के कोने कोने में पहुंचाने का सपना लिए फतेहपुर जैसे छोटे कस्बे से कानपुर जैसे बड़े शहर का रुख किया। वो स्वतंत्रता की लड़ाई में भागीदार थे, इसीलिए अपनी कंपनी का नाम स्वदेशी रखना चाहते थे। उसके बाद 1986 तक 20 सालों के दौरान स्वदेशी नवीनता और स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरी है। कंपनी के CMD की ओर से एक संदेश। चप्पल कंपनी का CMD गणेश रस्तोगी, सर्वप्रथम पिताजी को चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे पिताजी पहले फतेहपुर के जाने माने अध्यापक थे। 1957 में उन्होंने अपनी पहली पहल फतेहपुर की एक छोटी सी दुकान में से चप्पल का व्यापार शुरू किया। उन्होंने कानपुर में आकर 1963 में चप्पल का होलसेल व्यापार शुरू किया। चूंकि वे क्रांतिकारी भी थे और इसलिए उन्होंने अपनी फर्म का नाम स्वदेशी रखा और फिर स्वदेशी की शुरुआत हुई। पूजनीय पिताजी के 5 बेटे थे। 1963 से उन्होंने दुकान की शुरुआत करी। 1963 से 1986 तक दिन रात एक कड़ी मेहनत से स्वदेशी का नाम देश के हर कोने तक पहुंचाया। 1986 से बहुत ही कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ पांचों भाइयों ने स्वदेशी की एक हवाई चप्पल की फैक्ट्री लगाई। पांचों भाइयों ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने के बाद पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद के साथ विदेशी कंपनियों के लिए भी उत्पादन किया। सन 2000 में स्वदेशी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शुरू किया। 2010 तक हिंदुस्तान की 18 लीडिंग कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। 2010 में स्वदेशी ने हिंदुस्तान का पहला शू फेयर किया, जिसमें उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 2015 में हिंदुस्तान का पहला CNF शुरू किया। 6 देश की बड़ी कंपनियों के साथ ईस्टर्न UP का नेटवर्क शुरू किया। आज सभी लीडिंग कंपनियां स्वदेशी के साथ CNF मॉडल में काम करना चाहती हैं। 2002 में पूजनीय पिताजी की इच्छा के अनुरूप श्री राम पब्लिक स्कूल की स्थापना की। आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि पिछले कुछ सालों में स्वदेशी ने CNF मॉडल ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और CNF मॉडल के साथ में स्वदेशी परिवार के साथ में इंडिया की नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनी बनना चाहता है। मेरा ये विश्वास है नई पीढ़ी अच्छी एजुकेशन और नए जोश के साथ स्वदेशी ग्रुप की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नजरिया बदलिए, नज़ारा तो बदल जाएगा। काम को मन लगा के करना, काम को अपना समझ के करना, काम को पूर्ण विश्वास के साथ करना, काम को ट्रांसपेरेंटी के साथ करना, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और आप लोगों के सहयोग से आज स्वदेशी यहाँ पर पहुंची है। थैंक यू, नमस्कार। 1980 में कई बड़े बदलाव देखने को मिले जब स्वदेशी ने बाटा शू कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। बाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसने कानपुर में बन रही दूसरी घरेलू चप्पलों के व्यापार अर्थात कारोबार के मुकाबले स्वदेशी के व्यापार को एक नई दिशा दी। भारत के लगभग सभी राज्यों के बाजारों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के बाद स्वदेशी ने 1986 में हवाई चप्पल का अपना पहला कारखाना खोला, जिसे भारत के सभी लोगों और सभी पीढ़ी के लोगों ने बहुत पसंद किया। और इस तरह 1995 तक स्वदेशी ने इस काम में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। हमारे दादाजी की स्मृति में और उनकी इच्छा के अनुसार 2002 में उनके बेटों ने श्री राम पब्लिक स्कूल की नींव डाली। 2003 से 2007 के बीच हमने जाने माने ब्रांड्स जैसे लिबर्टी, कोलंबस, रिलैक्सो, GND और वुडलैंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और हमारी इस कोशिश ने हमें इंडस्ट्री में काफी ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। इंडस्ट्री में स्वदेशी इकलौती ऐसी कंपनी थी
जिसने एक जगह पर इतने सारे ब्रांड्स को साथ लाने का काम किया और इसी के चलते हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। जब हमने 2011 में अपनी पहली मल्टी ब्रांड रिटेलर मीट आयोजित की तो उसमें हमें नई उड़ान मिल सकी। इस शू फेयर का समय कुछ ऐसा था कि इसे साल के उस सत्र में आयोजित किया गया जिसमें विकास की दर सबसे कम थी, पर रिटेलर्स को आकर्षक डील्स देने और ब्रांड्स के लिए हुई बढ़ चढ़कर बुकिंग्स ने इस फेयर को कामयाब बना दिया और ये उत्तर प्रदेश के इलाके में काफी मशहूर हो गया। हमने इसका आयोजन 5 सालों तक करना जारी रखा और इसकी मदद से हम बाजार की उस गहराई तक अपनी पहुंच बना सके जिसे फेयर के दौरान और उसके बाद भी हमारी कंपनी विकास दर में उत्तरोत्तर तेजी बनाए रखने में कामयाब रही। दो हजार 2013 में कुछ नया करने की ख्वाहिश के चलते हमने कैंपस शूज के समर्थन से कस्टमाइज्ड स्कूल शूज का नया काम शुरू किया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा स्कूलों तक हमने अपनी पहचान बनाई और इस प्रोजेक्ट ने कैंपस शूज और स्वदेशी दोनों को इंडस्ट्री में काफी ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा करने में सफल रहे। 2015 में इस इंडस्ट्री में हुए कई और बदलावों के चलते हमने दोबारा अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए और वीकेसी की मदद से व्यापार का CNF मॉडल शुरू किया। इस तरह का मॉडल फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए नया था और आज की तारीख में हम 6 जानी मानी घरेलू ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए व्यापार के CNF मॉडल पर काम कर रहे हैं। हाल ही में स्वदेशी कानपुर शहर में बने अपने 4 गोदामों से प्रदेश के दूर दराज बसे गांव तक अपना माल पहुंचाती है। माल भेजने का काम शहर के हमारे 4 दफ्तरों से होता है जहां 50,000 कार्टन स्टोर करने की क्षमता उपलब्ध है और 200 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हमारा हेड ऑफिस मूलगंज में स्थित है और बाकी ऑफिस भन्नापुरवा, फजलगंज और पनकी में स्थित है। कामयाबी की इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हम हमेशा से 3 ताकतवर सिद्धांतों को काम में लाते रहे हैं, मनी पावर, स्पेस पावर एंड मैन पावर। फ्यू टेस्टिमोनी फ्रॉम आवर सप्लायर्स। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, डायरेक्टर एक्शन शूज। मैं गणेश जी और उनकी टीम को सबसे पहले एक्शन ग्रुप की ओर से बधाई देना चाहूँगा कि इतने कम समय में एक ट्रेडिंग के माध्यम से 150 करोड़ की टर्नओवर करना और वो भी अपने सप्लायर्स को सेटिस्फाई रखते हुए करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इसके लिए मैं गणेश जी को पर्सनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ में वे ऑफ वर्किंग, अपने काम को किस प्रकार से सिस्टमेटिक करना, कस्टमर को और अपने सप्लायर को उनकी अपनी बाउंड्रीज में रखते हुए उनसे मैक्सिमम अचीव करना, ये एक बहुत अच्छी कला गणेश जी में है जिसका वो बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। अभी मैं पीछे उनके पास में कानपुर गया और उनके घर पर गया तो घर भी बहुत सात्विक रूप से अच्छा मंदिर बना रखा है उन्होंने। एक उनकी बात से करते करते एक चीज़ सामने आई कि मेरे लिए कर्म पहले है, धर्म बाद में है। मीन्स कि मैं अपना सभी धर्म का काम सुबह 9 बजे से पहले पूरा कर लेता हूँ और मैं कभी भी अपने काम पे लेट नहीं पहुँचता हूँ। तो ये एक अच्छी आदतें हैं, अपने काम को सिस्टमेटिक करना, हर रिकॉर्ड्स को अपडेटेड रखना और पूरे जो कुछ भी सप्लाई आई है उस पर एक अच्छा कंट्रोल रखते हुए उस माल को एक प्रॉपर वे में अपने डीलर तक भिजवा देना। तो इसके लिए किसी भी चीज़ में एक अच्छी टर्नओवर करने के लिए कुछ सिस्टम्स की जरूरत होती है और मैं गणेश जी को इस बात पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने सिस्टम्स बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रखे हैं और आने वाला समय ऑर्गेनाइज्ड होलसेलिंग का है, अनऑर्गेनाइज्ड का नहीं है। उनकी जनरेशन वैसे तो ऑलरेडी ट्रेंड अच्छी है, गणेश जी ने उनको अच्छी परवरिश दे रखी है, अच्छा सिस्टम दिया हुआ है और वो भी एक अच्छी ढंग से काम कर रहे हैं। मैं उनकी उस जनरेशन के लिए यही कहूँगा कि आप अपने काम को अपने पिता की भांति और अच्छे ढंग से और सिस्टमेटिक वे में करते हुए इसको सिर्फ UP की नहीं
पूरे इंडिया की सबसे बड़ी होलसेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाए, ताकि आपके पिता को फख्र हो सके कि मेरे बच्चों ने एक नई ऊंचाई छुई है। एट द एंड ऑफ द डे मैं पुनः एक बार एक्शन ग्रुप की ओर से गणेश जी को, उससे ज़्यादा उनके स्टाफ को, जिनकी वजह से ये सभी कार्य ढंग से संचालित होते हैं, विशेष रूप से बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका काम और आगे बढ़ता रहे। एक्शन ग्रुप की सपोर्ट जैसे पास्ट में रही है, फ्यूचर में भी उसी प्रकार से साथ होती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, और बहुत सुनकर खुशी हुई कि स्वदेशी ग्रुप ने 150 करोड़ की सेल इस लास्ट ईयर में पूरी कर ली है। ये फुटियर में अपने आप में एक एग्जांपल है, और मैं गणेश जी को और उनके परिवार को इसके लिए पूरी बधाई देता हूँ। से हम इतने सालों से जुड़े हैं परिवार की तरह, तो जब भी वो दिल्ली, उनको आने का मौका मिलता है तो मैं उनसे बहुत सारी बातें डिस्कस करता हूँ, व्यापार की भी करता हूँ, व्यापार के अलावा बाकी और चीज़ों के लिए भी करते हैं। तो बहुत समझदार इंसान है, और मुझे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कहीं किसी भी चीज़ों पे हेल्प करते रहते हैं। तो हमारा परिवार पूरा उनका शुक्रगुजार है। और जहाँ तक नई जनरेशन का सवाल है, उनके बच्चे अभी बिजनेस में आए हैं, भतीजे थे, बच्चे हैं, बेटे अभी आए भी थे, ऑफिस में भी आए थे अभी, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जैसे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनका सोच थोड़ा अलग होती है। मैंने उनको ये भी समझाने की कोशिश की है कि सब चीज़ें पापा के पीछे मत चलना, आप अपने दिमाग से सोचना कि मुझे और 10 कदम आगे कैसे जा सकता हूँ मैं। पापा को वो देखकर आपका आने वाले समय में बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा कर पाए तो। और बाकी जो है, मैं पूरे गणेश जी परिवार जी को पूरे को बधाई दे रहा हूँ भाई इतना सब अचीवमेंट करने के लिए। लेकिन ये अचीवमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पर आकर रुक जाए, हमें अभी काफ़ी आगे जाना है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे साथ में है, साथ दे रही है, तो उसके लिए हम, हमारे पास बहुत संभावनाएं करने के लिए। धन्यवाद। हाय, मायसेल्फ संदीप मनोचा, आई एम द डायरेक्टर ऑफ कोलंबस स्पोर्ट्स। वी आर इनटू शू मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स, एंड नाउ दीज डेज कोलंबस इज वेरी वेल नोन ब्रांड इन स्पोर्ट्स शूज इन फुटवेयर इंडस्ट्रीज, यू कैन से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हार्टली कॉन्ग्रेस टू स्वदेशी ग्रुप टू अचीव दिस सेल्स वॉल्यूम लाइक 150 CR इन फुटवेयर ट्रेडिंग। So this is very good, a good achievement for Swadeshi Group. And all this achievement, this is because of Mr. Ganesh Rastogi only. Because he is the one only who can reach to this level with the positive thoughts. To work with the Mr. Ganesh Rastogi for us, it's really very amazing. And not only we are working with very in good way, even we are learning from Mr. Ganesh Rastogi how to work in trading company, and we are learning this for manufacturing also, and we have to follow the same pattern, not in trading, also in manufacturing. The way he is working, we have to follow his way. Ganesh Rastogi, Mr. Ganesh Rastogi, he is not into the new generation, but his thoughts is very positive, and his target is very, you know, it's very on the up level. So I suggest to all the new generation to follow the Mr. Ganesh Rastogi with positive thoughts and new good build-up system which Mr. Rastogi is following. They have to follow same pattern and take this all footwear business to the high level. For the new generation, I will say that, you know, Ganesh Rastogi ji jahan tak aaj is kaam ko leke aaye hain, to new generation ko ek message dunga ki unko ek as a, you know, mentor treat karna chahiye Mr. Ganesh Rastogi ko, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो अपनी नई पॉजिटिव थॉट से और अपने नए सिस्टम से इस काम को और आगे ले जाएं जो गणेश रस्तोगी ने आज तक किया है। मैं मिस्टर गणेश रस्तोगी को हार्टली कॉन्ग्रेट्स करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये लास्ट ईयर जो उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं ट्रेडिंग के अंदर, नेक्स्ट टू ईयर्स में आई एम वेरी श्योर गणेश जी इस टारगेट को डबल कर देंगे। स्पोर्ट्स गणेश जी को और स्वदेशी एजेंसी को बधाई देना चाहूँगा 150 करोड़ की अचीवमेंट के ऊपर। गणेश जी का वर्किंग स्टाइल काफ़ी सराहनीय रहा है, उन्होंने शुरू से ही मार्केटिंग में काफ़ी टैक्ट उनके अंदर है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो लेके आते रहते हैं, कभी कुछ
इवन देन कंपनियों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है काफ़ी बार, तो कि कुछ ऐसी चीज़ें नई नई आइडियाज मार्केट के लिए लेके आते हैं, तो उनके साथ वर्किंग का हमारा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हर एंगल से। ये मानो हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा रहा है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरों से काम करने हैं सब अच्छे हैं, लेकिन इनका वर्किंग स्टाइल और मार्केटिंग डेवलपमेंट के स्टाइल कुछ थोड़ा सा अटके हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ये 150 पे पहुँचे। न्यू जनरेशन को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो गणेश जी को फॉलो करें तो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अभी ओनली वो ईस्टर्न यूपी में काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे आने वाले टाइम में वो पूरे यूपी में काम करें, जहाँ 150 की टर्नओवर वाला वो आराम से 300-400 करोड़ रुपये की टर्नओवर पे लेके जाएं अपने बिजनेस को। इसके लिए वेल विशेज हमारे उनके साथ। नमस्कार, स्वदेशी ग्रुप के ये प्रोग्राम में मैं बीकेसी डीलर्स, फैसिल डीलर्स, वाकरू डीलर्स और बाकी उपस्थित मेहमानों का स्वागत करता हूँ। बीकेसी ग्रुप ने 35 साल पहले फुटवेयर की कारोबार में कदम रखा था। शुरुआत से ही किफायती दामों में अच्छी क्वालिटी देना बीकेसी का लक्ष्य रहा है। बीकेसी ग्रुप स्वदेशी ग्रुप के साथ मिलकर पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश में कारोबार कर रही है। पिछले 3 सालों में हमने अपना कारोबार करीब 90 करोड़ तक पहुंचाया है। हम अपने ग्राहकों, रिटेलर्स, होलसेलर्स, स्वदेशी ग्रुप और खासतौर पर गणेश जी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए बधाई देते हैं। हमारे चैनल पार्टनर्स के सुझाव से हमने प्रीमियम स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल कैटेगरी में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश में नए प्रोडक्ट लाकर वीकेसी ग्रुप, स्वदेशी ग्रुप, वीकेसी डीलर्स, वाकरू डीलर्स, तहसील डीलर्स, रिटेलर्स और बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की मदद से हम नई ऊंचाई हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। गणेश जी, उनकी टीम और आप सब लोग के समर्थन से हम आगे जाके उत्तर प्रदेश को वीकेसी का सबसे बड़ा मार्केट बनाने की आशा करते हैं। मैम, आप सबका आभारी हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारी ये रिश्तेदारी बनी रहे। जय हिंद। स्वदेशी परिवार को मेरा सादर प्रणाम। ये बड़ी गर्व की बात है कि फिनेंशियल ईयर 2018-19 में स्वदेशी ग्रुप ने 150 करोड़ का कारोबार किया है। पूरे वीकेसी ग्रुप के तरफ से स्वदेशी परिवार को हार्दिक बधाइयां देता हूँ। आपके साथ जुड़े रहना हमारे लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। पूरा विश्वास है कि गणेश जी और पूरा स्वदेशी टीम स्वदेशी ग्रुप को आगे वाले साल में और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। टीम का समर्पण और मेहनत ही अपना सफलता का कारण है। ग्रुप ने बदलते समय के अनुसार नई विचारों एवं नई योजनाएं लेके नए जमाने से जोड़ के कंधे से कंधे मिलाकर अपना कारोबार आगे ले चल रहे। स्वदेशी ग्रुप को एक बार और खूब बधाइयां दे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल तैयार करने से लेकर अपने माल को उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में स्वदेशी कामयाब रही है और फुटवेयर इंडस्ट्री में जाना माना नाम बनकर उभरी है। अपनी लगातार कोशिशों से हम जूते चप्पल फुटवेयर के कारोबार में एक बड़े बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। पिछले 10 सालों में स्वदेशी ने 6 गुना विकास दर देखा है। हमारे पोर्टफोलियो में नए नए ब्रांड्स जुड़ रहे हैं और नई ऊर्जावान पीढ़ी सारा कारोबार अपने हाथ में ले रही है। ऐसे में हमें यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में इस 6 गुना विकास दर को 12 गुना तक पहुंचाने में अवश्य कामयाब होंगे। व्यापार में इतना बड़ा नाम कमाने में निम्न मूल्यों ने हमारी बहुत मदद की है। निष्ठा, ईमानदारी, अखंडता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता,
परस्पर आदर। हमारा मकसद ग्राहक की जरूरत को अच्छे से समझना और उन्हें बेहतर ढंग से सामान पसंद करने में मदद करना, सही दाम देना, सही समय पर माल उपलब्ध कराना और उनकी अलग जरूरतों के लिए सही हल निकालना। ग्राहकों को पूरे ध्यान, बेहतरीन रवैये और अपनी जानकारी से शॉपिंग में मदद करना और उनकी जरूरतों पर खास ध्यान देना। ग्राहकों की लगातार बढ़ती और अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कौशल और जानकारी को बढ़ाते रहना। बाजार में अपना नाम विश्वसनीय, ग्राहक केंद्रित और प्रगतिशील बनाए रखने की कोशिश करना। अपने किसी भी मूल्य या व्यापार की नीति से समझौता किए बगैर मुनाफा कमाना। सक्रिय और संगठित श्रेष्ठता हासिल करना। भविष्य के लिए योजना। हमारे हाल में सक्रिय CNF मॉडल या पुराने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के चलते अपने पोर्टफोलियो में नए ब्रांड्स जोड़ना। स्वदेशी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने की सोच रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के तहत हम साल 2019-20 में मल्टी ब्रांड रिटेल और कुछ फ्रेंचाइजीज स्टोर्स में दाखिल होने की योजना बना रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत हम 2019-20 के अंत तक स्पोर्ट्स शू और स्नीकर्स बनाने के क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं। हमने साल में 10 लाख जूते बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारी कंपनी ने इतने कम समय में जो कामयाबियां हासिल की हैं, उसके लिए हम खुद से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।